मैंने कहा वो सब गड़बड़ है, पहले मुझे देख लेने दो, कल बात करते हैं। मैंने एक दिन चेक किया और अगले दिन मैंने कहा मैं तुम्हारी क्लास ले रहा हूँ, सारे सेल्समैन फलाने हॉल में आ जाओ। उनके पास करीब 12-13 सेल्समैन थे और 15-16 सेल्स गर्ल्स थी। सबको बुला लिया। अब मैंने उनको क्या समझाया वो गौर से सुनो। मैंने उनसे कहा अगर तुम कोई चीज़ बेचना चाहते हो तो उस चीज़ से प्यार करो, जैसे छोटा सा बच्चा दीवाना हो जाता है ना चीज़ का, वैसे तुम्हें कार बेचने के लिए दीवाना हो जाना चाहिए। तुम्हें किस उल्लू के पट्टे ने सिखा दिया कि कार को हाथ नहीं लगाना है? उनको मैंने ट्रेन किया पूरा एक दिन। अगले दिन से जो उन लोगों ने किया वो सुन लो, तुम्हें पता चल जाएगा मैंने क्या सिखाया, और सेल्स उनकी डबल से ट्रिपल हो गई। अब क्या होता था, कस्टमर आता था, सेल्समैन कहता था सर आइए मैं आपको कौन सी कार दिखाऊं। अगर कस्टमर की चॉइस नहीं होती है तो कहता था देखने आए हैं, मैं आपको एक बढ़िया सी चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ आइए सर। सेल्समैन किसी बच्चे की तरह उछलता हुआ कार के पास जाता था और कहता था ये है मेरी जान, अगर मैं गाड़ी खरीदने जाऊँ तो मैं यही वाली खरीदूंगा, इधर आइए सर इधर आइए। कार की ड्राइविंग साइड खोलकर उस पर लेट जाता था, ये देखिए सर इंटीरियर देखिए डिज़ाइन देखिए, फिर पीछे के दरवाज़ा खोलकर पीछे लेट जाता था, उसके टायर पर चढ़कर दिखाता था, खोल खोल कर उसके इंटीरियर दिखाता था। और एक वक्त ऐसा आता था जब वो कार को चूम कर कहता था ये जान है मेरी सर जान, ये जान निकाल देगी, कंपनी ने ऐसी खूबसूरत डिज़ाइन आज तक नहीं बनाई। जैसे एक बच्चा होता है ना अपने बाप के साथ बाजार जाता है, तुमने वो बच्चे देखे ना जो कहते हैं पापा मुझे वो वाली मोटरसाइकिल चाहिए, अब वो उस बाइक की तारीफ पे तारीफ करता चला जाता है करता चला जाता है, डैडी इसका ये देखिए इसका ये देखो इसका वो देखो। बाप बच्चे को सिर्फ इसलिए बाइक खरीद कर दे देता है कि वो बाइक के साथ खुश है। जब आप किसी चीज के साथ अपनी खुशी जोड़ दोगे तो उस चीज को बेचना आसान हो जाएगा कि तुम इस चीज को लेकर खुश हो, यानी ये वाली चीज खुशी देती है। बाप जानता है ये चीज इसको चाहिए इसलिए वो जरूरत से ज्यादा तारीफ कर रहा है, लेकिन वो फिर भी उसे खरीद कर दे देता है क्योंकि बच्चा उसको पाकर खुश है। आपको कस्टमर को अपना बाप समझना है और खुद को उसका बेटा कि गाड़ी आपको मिलने वाली है, खुद अपनी चीजों से प्यार करो। अच्छा तुम लोग मुझे पढ़ाते हुए देखते हो, आप लोगों ने कूल रीडिंग की क्लास ली है, भैरव ली है, लक्ष्मी ली है, आप लोगों ने देखा होगा मैं अपनी क्लासेस से कितना प्यार करता हूँ। तुम लोगों को मेरा पूरा जुनून नजर आता होगा मेरी बात से आवाज से, तुम्हें लगता होगा ये आदमी कितना खुश है कि ये वाली क्लास पढ़ा रहा है, कितना एक्साइटेड है। जबकि तुम लोगों के सेल्समैन क्या करते हैं, उन्हें लगता है हमें क्या लेना देना, कार बिकेगी कंपनी की, खरीदने वाला कोई और, मेरा काम है कार के बारे में बताना कि ये ऐसा है इतना हॉर्स पावर है ये वाला कलर है लेना है तो लो नहीं तो भाड़ में जाओ। उसके साथ अपना पर्सनल रिलेशन बनाओ। आप लोगों ने शायद मेरी प्रेजेंटेशन नहीं देखी होगी, मैं जो प्रेजेंटेशन देता हूँ मैं कई कंपनीज में जाता हूँ, मैं उन्हें बताता हूँ कि मेरी सर्विस क्यों लो, मैं उन कंपनीज में जाता हूँ वहाँ एम्प्लॉयज़ बैठे होते हैं, मैं बताता हूँ कि मैं तुम्हें ये करवाऊँगा वो करवाऊँगा, मैं इतना एक्साइटेड हो रहा होता हूँ, मैं इतना खुश हो रहा होता हूँ, इतना मस्त चेहरा होता है मेरा, मैं लगातार मुस्कुराता रहता हूँ, ऐसा लगता है कि जैसे मैं अलादीन का चिराग बेच रहा हूँ, मैं इतना खुश हो रहा होता हूँ कि सभी मुझसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, सब मुझे देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं, वो कहते हैं मैंने आज तक ऐसा बंदा नहीं देखा जो अपनी चीजों को बेचने के लिए इतना खुशी महसूस करता हो। कई लोग मुझसे पूछते हैं पहली बार प्रेजेंटेशन दे रहे हो क्या, आप बचपना समझ रहे हो मेरा, बचपना करने से घबराओ मत, तुम्हें किसी छोटे से बच्चे की तरह एक्साइटेड हो जाना चाहिए। अगर तुम किसी लड़की को प्रपोज करने जा रहे हो तो इतनी खुशी से प्रपोज करो कि तुम्हारा चेहरा इतना खिला होना चाहिए कि तुम बहुत खुश हो, जैसे तुमने सब कुछ पा लिया है। मान लो तुम कार खरीदना चाहते हो, आप अपने दोस्त के साथ उसके कार में घूमते हो, वो कहता है ये बड़ी जबरदस्त कार है भाई, बड़ी सुंदर कार है, ये देख ब्रेक लगाते ही रुकती है। आपके दिमाग में पहला ख्याल आएगा काश ये कार मेरे पास होती, और बड़ी संभावना है कि आप वही कार खरीदे। अच्छी चीज हम सभी को चाहिए होती है ना। प्रपोज में भी यही फॉर्मूला काम करता है, जब तुम लड़की को प्रपोज करो तो उसे ये दिखाओ मैं खुद से कितना प्यार करता हूँ, मैं कितना खुश हूँ जो हूँ वो बनकर। अब तुम्हारे दिमाग में PY की तस्वीर क्लियर हो रही है। अगर आपसे कहा जाए कि एक PY को इमेजिन करो तो सबसे पहला तस्वीर आपके सामने आएगा कि वो कितना खुश है, वो अपने हेयर स्टाइल से खुश है, अपने कपड़ों से खुश है, वो अपनी लाइफ स्टाइल से खुश है। PY कहता है मेरे पापा बड़े मस्त है, तुम लड़की के पास जाकर क्या कहते हो, मेरा बाप तो पागल है। PY कहता है मेरे पापा कूल है, लड़की सोचती है कूल बाप का कूल बेटा यार। मैं लड़की के पास जाता हूँ और कहता हूँ मेरी मम्मी और भाभी पूरी क्रेजी है, सारा दिन हंसती रहती है, कभी शॉपिंग करने चली जाती है, कभी कुछ करती है, कभी कुछ करती है। लड़की पूछती है तेरे मम्मी और भाभी में लड़ाई नहीं होती, मैं कहता हूँ लड़ाई वो दोनों मिलकर हमसे करती है। अब लड़की के दिमाग में क्या सिग्नल जाता है बताओ, वो सोचती है अगर मैं इनके घर की बहू बनकर जाऊँ तो मुझे एक फनी सास मिलेगी, लड़कियाँ डरती है ना अपने सास से। कभी मैं अपनी मम्मी के बारे में जोक सुनाता हूँ कि आज उन्होंने ये कर दिया, आज कार लेके निकल गई, आज बाइक चलाई, मैं बताते रहता हूँ, कोई फेस्टिवल हो तो मैं बताता हूँ मेरी मम्मी आज पतंग उड़ाएगी,
हमारे यहाँ पतंग का त्यौहार होता है ना, तो सभी पतंग उड़ाते हैं। लड़कियाँ कहती है तू कितना खड़ूस है और तेरी मम्मी कितनी अच्छी है, लेकिन वो पट्टी किससे है? अगर मैं किंग्स एटीट्यूड बता रहा हूँ तो तुम्हारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए, ना लड़की की कमी है ना प्यार की कमी है। लड़कियाँ इस चीज़ को बहुत बढ़िया तरीके से इस्तेमाल करती है। वो तुमसे कहेगी मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, चाहे हो या ना हो, लेकिन कहेगी ज़रूर। इसके उल्टा मैंने लड़कों को देखा है, वो कहते हैं क्या घटिया ज़िंदगी है मेरी, दिल करता है मर जाओ। अब बंदा मरने जा रहा है और सपने देख रहा है लड़की पटने की। सम्राट मांगते नहीं, पा लेते हैं। ईश्वर का एक बड़ा विचित्र गणित है, मांगोगे तो नहीं मिलेगा, जो दे सकता है बस उसी को मिलता है। कभी भी मांग कर देख लो, किसी चीज को मांग कर देख लो, तुम्हें कुछ नहीं मिलता। जहाँ तुमने मांगना शुरू कर दिया वहाँ सामने वाला भागना शुरू कर देगा। जिंदगी में कुछ पाने का सबसे बड़ा फॉर्मूला होता है मांगना बंद कर दो। इस मेंटेलिटी को पाने के लिए शायद तुम्हें एक वक्त लग जाए या तुम इसी सेकंड समझ जाओ। मैं किसी लड़की के पास जाता हूँ, उसे पटाता थोड़ी हूँ, बड़ा कूल एटीट्यूड रखता हूँ, बातें बातें करता हूँ, प्यार मोहब्बत के बारे में बात ही नहीं करता, हंसता रहता हूँ, उसे हंसाता रहता हूँ, इतना लाइट कर देता हूँ कि थोड़ी देर बाद वो खुद बोलती है अपना नंबर देना मुझे। साइलेंस सम्राट का सबसे बड़ा गुण होता है, साइलेंस। साइलेंस इज शोज यू आर इंडिपेंडेंट। आप जितना बोलते हो उसे पता चलता है कि आप इमोशनली कितने डिपेंडेंट हो। आप दूसरों को बताना चाहते हो, दूसरों की कहानी सुनना चाहते हो, उनको अपनी समस्याएं बताते रहते हो, उनके समस्याएं सुनते रहते हो। तुम बताते हो मेरे साथ ये बुरा हुआ, मैं यहाँ फंस गया, लेकिन साइलेंस ये बताता है कि तुम इंडिपेंडेंट हो, तुम्हें दूसरों से इमोशनल सपोर्ट की जरूरत नहीं, तुम मजबूत इंसान हो। शांत रहने वाला बंदा दिखाता है मुझे खुश रहने के लिए किसी की जरूरत नहीं। जैसे छोटे बच्चे की तरफ हम कितना आकर्षित होते हैं, है ना, हम देखते हैं ये बच्चा अपने आप में ही कितना खुश है, इसे किसी की जरूरत नहीं, तो हम उसकी तरह आकर्षित होते हैं। पी बॉय भी ऐसा ही होता है, वो खुद से ही इतना खुश होता है, खुद से इतना सेटिस्फाइड होता है कि उसे दूसरों की जरूरत नहीं। मैंने अपनी वीडियोस में कई बार ये सीक्रेट लीक की है कि प्ले बॉय वो होता है जो घूमने निकल जाता है, पार्टी करता है, जो ऐश करता है, जो जिंदगी के मजे लेता है। और भिखारी कौन होता है, जो मुंह लटकाए बैठा होता है कि कोई लड़की मेरी जिंदगी में खुशियां ले आए। बस तुम ही ले आओ मेरी जिंदगी में खुशियां, तुम आ जाओ मेरी जिंदगी में। अपनी कमी पकड़ पा रहे हो तुम लोग? दरअसल जिस लड़की को पटा रहे हो उसे ये बता रहे हो कि मेरी जिंदगी में खुशियां लाएगी तो तू ही लाएगी, नहीं तो मेरी जिंदगी में खुशियां नहीं आएगी। हम लोग दरअसल उनसे प्रेम करते हैं जो खुद से प्रेम करते हैं। तो मैं सलाह देता हूँ कि किसी भी स्कूल कैंपस में जाओ तो कम से कम एक महीना चुपचाप रहो, वहाँ के आबो हवा देखो, समझने की कोशिश करो, अपनी इमेज अच्छी बनाओ, कोई जल्दबाजी मत मचाओ। तुम्हारे सामने लोग लड़की पटा ले जा रहे हैं, उनको जाने दो, वैसे भी वो उनसे ही पटनी थी। एक महीने तक बिल्कुल शांत रहो, किसी से बात मत करो, इतने टाइम में तुम्हारी अच्छी खासी इमेज बन जाएगी। शांत चेहरा तुम्हारी स्थिरता को दर्शाता है, ऐसा कि तुम्हारा खुद पर काबू है, तुम ईमानदार लगते हो। एक चीज याद रखना, लोग पहले तुम्हारी इज्जत करते हैं, फिर विश्वास, फिर प्यार। जब किसी को किसी से प्यार होता है तो दरअसल पहले दिल में इज्जत जगती है। प्यार उसी से ही होता है जिसकी हम इज्जत करें, पहले तुम्हें इज्जत के लायक बनना पड़ेगा। तो खुद से पूछो, क्या तुम लड़की के सामने एक इज्जतदार आदमी हो? मैं किसी भी लड़की के पास जाता हूँ तो पहले इज्जत कमाता हूँ। साइलेंस शो करता है कि आप में कॉन्फिडेंस है, साइलेंस तुम्हें इज्जत के लायक बनाता है, तो साइलेंट रहो।